अप्रोक्सीमेटली 350 एक्टिव यूजर होने के बावजूद पेटीएम अपने ऑल टाइम से काफी ज्यादा लो है। ऑन 26 नवंबर 2020 पेटीएम ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1782 रुपीज का। वही अगर करंट प्राइस की बात करें 545 पे चल रहा है, दैट मीन्स -65% डाउन। इससे पहले हम और भी डिस्कस करेंगे, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 35,000 करोड़ है, कंपनी बड़ी भी है। लेकिन यहाँ पर अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 0% होल्डिंग है। वही अगर हम FII की बात करें 9.3%, DII की बात करें 1.06%, और यहाँ से सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है वो पब्लिक में रखी है 89.50%। अगर हम पेटीएम की सेल्स की बात करें तो थोड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लॉसेस कंटिन्यूसली आपको शो हो रहा है। तो रीजन को डिस्कस करेंगे क्या रीजन है डाउन हो रहे हैं। बिफोर गोइंग फॉर दैट यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन से सोर्सिंग पेटीएम की इनकम आती है। तो मेनली यहाँ पे 3 हेड्स आपको शो हो रहे हैं। नंबर 1 इज पेमेंट सर्विसेज, जहाँ से पेटीएम को 75% का इनकम आ रहा है। सेकंड की बात करिए कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, जहाँ से ऑलमोस्ट 20% की इनकम पेटीएम को रिटर्न हो रही है। वही अगर हम फाइनेंस सर्विस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5% की इनकम पेटीएम को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रीजन को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से पेटीएम का शेयर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। नंबर 1 नेट प्रॉफिट इज नॉट जनरेटिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप पता चलेगा पेटीएम भी लॉसेज में है, जो कि एक मेजर इशू है जिसकी वजह से शेयर प्राइस यहाँ पे डाउन जा रहा है। नंबर 2 इज वैल्यूएशन, भी एक मेन फैक्टर है शेयर प्राइस डाउन होने का। नंबर 3 इज मैनेजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और रिसेंटली RBI ने बैन लगाया था पेमेंट बैंकिंग पे फॉर्म टेकिंग द न्यू कस्टमर्स, जिसकी वजह से काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा शेयर प्राइस पे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या हमको पेटीएम में इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिफोर गोइंग फॉर दैट यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आप पेटीएम में क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में आ रही है। नंबर 1 पेटीएम में काफी सारे बिजनेस हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पेमेंट सर्विसेज हैं, कॉमर्स हैं, क्लाउड सर्विस हैं, फाइनेंस सर्विस हैं। तो इसकी वजह से पेटीएम को बिजनेस को अंडरस्टैंड करना एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इससे बाहर अभी निकलना चाहते हो। सेकंड रीजन है कंपटीशन। इस फील्ड में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा है उतनी यहाँ पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। अगर हम अभी मार्केट कैप की बात करें तो गूगल पे और फोन पे आर द टॉप कंपटीटर्स फॉर द पेटीएम। सो दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से पेटीएम का शेयर कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। और जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो अभी इसमें से बाहर आना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं कि आने वाले टाइम में पेटीएम इन चीजों से बाहर निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। ये जो कंपटीटर्स हैं वो भी काफी तगड़े हैं, तो उनसे बीट करना एक भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकंड जो है वो मेन इशू है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मच बिजनेसेस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन इन्वेस्टर्स। क्या आपने पेटीएम के शेयर को बाय किया है? अगर किया है तो अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लॉसेस है। -65% एक नंबर नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा लॉस होता है। अगर आपने इसकी इन्वेस्टिंग किया है तो आप बोल जाए अभी 2-3 साल के लिए। थोड़ा जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है तब इसको आप सेल करेंगे।